इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। ब्रांड नेम है उसका प्रोपियो मैक्स। ब्रिटिश फार्मा की ये प्रोडक्ट है। इंजेक्शंस हैं जो कि मसल्स में लगाए जाते हैं। 100 mg पर ml, यानी 1 ml में आपको 100 mg की ड्रग मिल जाती है। सबसे पहले तो ये सुनिए कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये बेसिकली क्या होता है। ये दरअसल मेल सेक्स हार्मोन होता है, यानी कि जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे चेहरे पे दाढ़ी के बाल आना, इसी अलावा टेस्टिस की डेवलपमेंट होना, स्पर्म्स की प्रोडक्शन, ये सारा काम जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। अभी अगर किसी को प्रोपियोमैक्स की इंजेक्शन प्रेस्क्राइब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। अभी अगर ये हार्मोन की कमी होगी तो चलो चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं आ रहे हैं, एक छोटी सी बात है, लेकिन प्यूबर्टी डिले हो रही है। जिस बच्चे ने 14 साल में बालिग होना है वो जाके 17 साल में बालिग हो रहा है, उसका नुकसान ये है कि उसके टेस्टिस प्रॉपर डिवेलप नहीं होंगे, स्पर्म प्रोडक्शन कम होगी, उसकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, वो बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होगी। जब मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम है, अगर इस तरह का कोई इंपोर्टेंस का मसला है, उससे साइकोलॉजिकल वेलबींग डिस्टर्ब हो रही है, सोशल लाइफ खराब हो जाती है, पर्सनल लाइफ खराब हो जाती है, पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे मसलों को ट्रीट करने के लिए प्रोपियोमैक्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो प्रोपियोमैक्स के अंदर जो ड्रग है वो है टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट। अभी सबसे पहले जो मैं आपको एक बीमारी बताऊं, हाइपोगोनेडिज्म, उसमें ये होता है कि जो गोनेड्स होते हैं ना मेल के, जो कि टेस्टिस हैं, वो कभी कभी प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहे, स्पर्म प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं प्रोपियोमैक्स के। इसके अलावा अभी आप देखें कि एक और बीमारी होती है जिसको डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। अभी डिलेड प्यूबर्टी में, यानी जिस बच्चे ने जल्दी बालिग होना है वो बहुत लेट बालिग हो रहा है, उसकी वजह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो भी इस तरह के इंजेक्शंस लगाते हैं। डोज इनकी हो जाती है 200 से 400 इस तरह। अभी जिन लोगों को एंड्रोजन्स की कमी है, यानी एंड्रोजन भी तो मेल सेक्स हार्मोन ही होते हैं, जिनको उन एंड्रोजन्स की कमी है वो भी इस तरह के इंजेक्शंस को लगाते हैं। मर्दों के अलावा खवातीन में भी प्रोपियोमैक्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि जिन लोगों को, जिन खवातीन को बीमारी है ब्रेस्ट कैंसर की। अभी क्या होता है कि वो इस ब्रेस्ट कैंसर को नॉर्मली सर्जिकली ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर वो सर्जिकली ट्रीट नहीं हो रहा है फिर प्रोपियोमैक्स के इंजेक्शन उनको भी लगाए जा सकते हैं, उससे जो है थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर में फर्क आ जाता है। इसके अलावा कुछ खवातीन की या कुछ लोगों की शिकायत भी होती है कि ऐसे इंजेक्शन लगाने से उनके जिस्म पर बहुत सारे दाने निकल आए हैं, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कभी कभी उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, कभी कभी उनका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी गायनेकोमेस्टिया, मर्दों में गायनेकोमेस्टिया हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, कुछ लोगों की शिकायत है उनको सिबोरिया हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गए हैं, डेंड्रफ आ गई है। ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको जो मेन बातें याद रखनी है वो ये कि प्रेगनेंसी के दौरान कतयन इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वरना माँ की बच्चे जान के लिए, बच्चे की जान के लिए, दोनों के लिए खतरा है। मर्दों में भी जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कभी भी इस ड्रग को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करेंगे और बहुत एहतियात करेंगे। इसके अलावा कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।